दिल्ली में नई आबकारी नीति पर विवाद का असर दिख गया है। केजरीवाल 1 अगस्त से पुरानी आबकारी नीति लागू करेंगे क्योंकि नई आबकारी नीति को 6 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया गया। नई आबकारी नीति पर विवाद के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी आबकारी नीति लागू की जाएगी और पिछले साल लागू की गई नई आबकारी नीति को 6 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने साल 2021 से 2022 के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। 31 मार्च के बाद इसे 2-2 महीने के लिए 2 बार बढ़ाया गया, लेकिन अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगा। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि आबकारी नीति 2022 से 2023 पर काम चल रहा है। इसमें शराब की होम डिलीवरी समेत कई सिफारिशें हैं। इसे अभी उप राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के उप राज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेके चलाने वालों को टेंडर खत्म होने के बाद भी गलत तरीके से लाभ पहुँचाया गया। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें। और इसके लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी CBI जांच की सिफारिश कर दी। नई आबकारी नीति को होल्ड करने का फैसला उपराज्यपाल की इसी सिफारिश के बाद सामने आया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी शुरू से ही सियासत में घिरी रही है। सियासत का सिलसिला इसके रोलबैक के बाद भी जारी है। नई एक्साइज पॉलिसी 2021 से 2022 ठंडे बस्ते में चले गए, लेकिन राजनीति बाकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कमीशन के बदले शराब दुकान के लाइसेंस धारियों को लाभ पहुंचाने के आरोप के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ गया है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया। इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया गया। प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, CBI से धमकाया। इधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की आप सरकार को घेरते हुए मनीष सिसोदिया के जेल जाने की बात कही है। कल इन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ जेल जाने का डर है अरविंद केजरीवाल इन गैंग को। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।